हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर महिमा भारत होम्योपैथी से। आज हम बात करेंगे कि यूरिन में जो प्रोटीन आता है उसको हम कैसे रोक सकते हैं, यूरिन में जो प्रोटीन लॉस हो रहा है उसके लक्षण क्या होते हैं और उसको कम कैसे किया जा सकता है या फिर उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो अगर किसी के यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, डिटेक्ट हो रहा है, तो उसका जो सिम्टम लक्षण पेशेंट को बॉडी में फील होंगे वो होंगे, पेशेंट का हीमोग्लोबिन बहुत कम हो जाएगा। पेशेंट बोलेगा कि उसको बहुत थकान महसूस होती है, बहुत थका थका रहता है, पेशेंट बहुत वीक हो जाएगा। तो ये तीन लक्षण हैं जो कि अगर किसी पेशेंट को, किसी इंसान को यूरिन में प्रोटीन लॉस हो रहा है तो ये तीन लक्षण उसको मेन जो उसकी बॉडी में दिखेंगे। अब बात करते हैं कि यूरिन में प्रोटीन लॉस क्यों होता है। देखिए, जो किडनी का जो फंक्शन होता है वो ब्लड को फिल्टर करना होता है। किडनी ब्लड को फिल्टर करके जो बाय प्रोडक्ट होती है उसको एक्सक्रीट आउट कर देती है और जो अच्छे जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो किडनी को के लिए इम्पॉर्टेंट है, बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसको एक्सक्रीट आउट नहीं करती है। ऐसा ही प्रोटीन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। बट कुछ केसेस में जब नेफ्रॉन्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, कुछ ऐसी बीमारियों में जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इसके भी कारण मैं आपको आगे बताऊंगी कि ये इन्फ्लेमेशन किन किन बीमारियों से रिलेटेड हो सकती है। तो अगर नेफ्रॉन्स में इन्फ्लेमेशन हो गई तो उसमें जो किडनी है यूरिन को नहीं रोक पाएगी, प्रोटीन का फिल्ट्रेशन वो करेगी और प्रोटीन यूरिन के साथ लॉस होगा। ये होता है कि प्रोटीन का लॉस क्यों हो रहा है, क्योंकि नेफ्रॉन्स में इन्फ्लेमेशन हो गई है। अब बात करते हैं कि अगर नेफ्रॉन्स में इन्फ्लेमेशन हो गई है, यूरिन का लॉस हो रहा है, तो हमें यूरिन में ऐसा क्या दिखेगा, यूरिन में ऐसे क्या लक्षण दिखेंगे कि हमें मालूम चल जाएगा कि प्रोटीन लॉस हो रहा है। तो यूरिन का जो कलर होगा वो थिक हो जाएगा, वो गाढ़ा हो जाएगा, यूरिन में झाग बनने लगेगा जिसको हम फ्रोदी यूरिन बोलते हैं, यूरिन का कलर में चेंजेस आने लगेंगे। तो अगर ऐसे किसी लक्षण को आप नोटिस कर रहे हैं अपने यूरिन में, अगर आपको चेंजेस नोटिस हो रहे हैं, झाग नज़र आ रहा है, तो सतर्क हो जाइए कि आपके यूरिन में प्रोटीन का लॉस हो रहा है। अब बात करते हैं कि यूरिन में अगर प्रोटीन का लॉस हो रहा है तो उसका क्या इसको कैसे रोक सकते हैं, इसके क्या ऐसे प्रिकॉशन हैं कि किन बीमारी को अगर हम कंट्रोल करें तो आपका जो यूरिन में प्रोटीन लॉस हो रहा है वो कैसे रुक सकता है। तो पहला है, अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ है, बीपी बढ़ने से नेफ्रॉन्स पे जो ब्लड का प्रेशर होता है वो ज़्यादा हो जाता है और नेफ्रॉन्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, नेफ्रॉन्स के जो स्ट्रक्चर में चेंजेस हो जाते हैं, इसकी वजह से प्रोटीन लॉस होने लगता है। आम तौर पर हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120 से 80 mmHg। अगर आपका ब्लड प्रेशर इससे ज़्यादा रहता है, अगर आप क्रोनिक हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना ब्लड प्रेशर को रेगुलरली चेक करते रहे और आपका ब्लड प्रेशर नीचे वाला जो प्रेशर है नॉर्मल प्रेशर से कम रहना है, क्योंकि आपकी किडनी ऑलरेडी ही ख़राब हो चुकी है, ऑलरेडी उससे यूरिन में प्रोटीन लॉस हो रहा है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है उससे भी ब्लड प्रेशर कम रहना चाहिए, तभी आप अपने नॉर्मल किडनी लेवल जो प्रोटीन लॉस हो रहा है उस तक पहुँच पाएंगे, तभी इसका बचाव हो पाएगा। तो अगर आपका नीचे का ब्लड प्रेशर 80 mmHg नॉर्मल है तो आपका 80 से कम रहना है, 79-75, ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा एक अगर किसी इंसान की यूरिन में प्रोटीन का लॉस हो रहा है। सेकेंड कारण है, अगर किसी को डायबिटीज़ है, अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसका ब्लड की जो कंसिस्टेंसी है वो थिक हो जाती है, किडनी के जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस आने लगते हैं और प्रोटीन का लॉस होता है। तो अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो सतर्क हो जाइए। अगर आपका शुगर लेवल 250 तक जा रहा है, 180 से ज़्यादा जा रहा है, तो आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कीजिए। आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो 180 से कम रहे। अगर 180 से कम रहेगा तभी जो यूरिन में प्रोटीन लॉस हो रहा है आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे और ऑलरेडी जितना किडनी में डैमेज हुआ है वो किडनी के डैमेज को अगर 180 से कम कांस्टेंट रहेगा शुगर लेवल, तभी वो ठीक हो पाएगी, नॉर्मल हो पाएगी आपकी किडनी। अब थर्ड पॉइंट है, अगर किसी की किडनी का साइज़ छोटा हो गया, अगर किडनी श्रिंक हो गई है, तो
आप बिल्कुल सतर्क हो जाइए कि आपको ऐसे प्रिकॉशंस जो कि डॉक्टर बताते हैं, जो कि किडनी पेशेंट को यूज़ करने हैं कि अपना ब्लड प्रेशर मैनेज करे, डायबिटीज़ मैनेज करे, अगर कोई अदर डिजीज़ है उसको अच्छे से कंट्रोल करके रखिए, क्योंकि किडनी अगर श्रिंक हो गई है तो एक खतरा हो सकता है, क्रोनिक किडनी डिजीज़ में इसको कन्वर्ट हो सकती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आप पानी कम पीते हैं या पानी ज़्यादा पीते हैं तो डॉक्टर से आप कंसल्ट कीजिए, डॉक्टर की हेल्प लीजिए, उनसे राय लीजिए कि आपको क्या करना है। अब कुछ अगर ये तीन लक्षण, अगर ये तीन कारण भी बॉडी में नहीं है सपोज़ किसी के, तो अब और भी कारण है यूरिन में प्रोटीन लॉस होने के, वो अलग कारण है। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है, चिंता करता है, टेंशन में रहता है, या किसी का जॉब ऐसी है कि उसको कॉन्स्टेंट स्ट्रेस में है, या फिर किसी के घर में कुछ तनाव चल रहा है, तो फिर ये देखा गया है, या अगर उस इंसान को डायबिटीज़ भी नहीं है, ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन भी नहीं रहती है, तब भी उसके यूरिन में प्रोटीन लॉस हो सकता है, किडनी के जो स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन्स में चेंजेस आ सकता है और वो क्रोनिक किडनी डिजीज़ में बदल सकता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपने लाइफस्टाइल को, अपनी डाइट को, अपने स्ट्रेस को मैनेज करके रखिए, एक अपना लाइफस्टाइल ऐसा बनाइए कि बहुत हेल्दी हो, स्ट्रेस में ना रहे, नींद पूरी ले रहे हैं, 8 आवर्स की आप स्लीप ले रहे हैं, जंक फूड आप ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, प्रिजर्वेटिव्स का कंजप्शन आप ज़्यादा नहीं कर रहे, स्मोकिंग एल्कोहल से आप दूर रहिए। तो अगर आप किडनी पेशेंट है तो आप ये कुछ प्रिकॉशंस को यूज़ कर सकते हैं। और अगर यूरिन में प्रोटीन लॉस हो रहा है तो ध्यान दीजिए, इग्नोर नहीं कीजिए, आप मुझे डॉक्टर महिमा को कंसल्ट कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूँगी यूरिन में जो प्रोटीन लॉस हो रहा है उसको कम कराने में, और आपके जो कारण है यूरिन में प्रोटीन लॉस होने के उनको कंट्रोल करने में। तो मैं डॉक्टर महिमा और मेरी भारत होम्योपैथी की मेडिकल टीम आपकी मदद करेगी। अगर आप किडनी पेशेंट हैं तो आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।